हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वैन टैलेंट डार्ड हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू माई चैनल आज आप लोगों को कोई नहीं जानता लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब सबकी जबान पर आपका नाम होगा बाय डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वॉट इज सक्सेस वेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ दिस मेक्स द सक्सेस और वो दिन दूर नहीं तो उस दिन के लिए दिन रात एक कर दो और बस तैयार हो जाओ

उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट दिया फर्स्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट टू साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए जिसमें उन्होंने प्लांट्स को हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज में डिफरेंशिएट किया एंड एनिमल्स को रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में डिफरेंशिएट किया दो तीन पॉइंट्स आपको एरिस्टोटल के याद रखने और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं तो याद रखना अच्छे से सबसे पहले क्या याद रखोगे दैट ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी सेकंड पॉइंट कि उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए टू डिफरेंशिएट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स को उन्होंने हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज में डिफरेंशिएट किया एंड एनिमल्स को रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में डिफरेंशिएट किया देन उसके बाद कार्लस नीनियस आए अपने, अपने रिसर्च के अंदर इतना घुस गए थे उन्होंने अपना नाम भी उसी बेसिस के ऊपर रख दिया दैट इज कार्लस लिनियस तो कार्लस लिनियस जी ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया दैट इज प्लांटी एंड एनिमिलिया तो उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया ठीक है याद रखना

थर्ड पॉइंट कि उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी अच्छे से बताया एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है देन उसके बाद आर एच विटेकर आए जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया और उनका मेन क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर थैलस ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बायोलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड द फाइव किंगडम्स आर मोनेरा प्रोटेस्टा फंगई प्लांटी एंड एनिमलिया आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले एरिस्टोटल आए जिन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया प्लाट्स कोर्ब शब्स और ट्रीज में रखा एनिमल्स को रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड में रखा एंड ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ही इज द फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो देन सेकंड कौन है कार्लस लीनियस है हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया लेकिन कुछ रीजन की वजह से उनका

जिसमें फाइव किंगडम्स है मोनेरा प्रोटेस्टा फंगई प्लांटी एनमलिया सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप तो मोनेरा में सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक है जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो सभी मोनेरा के अंदर आते हैं बाकी जितने भी यूकैरियोट्स है वो प्रोटेस्टा फंगई प्लांटी एनलिया में प्रेजेंट है लेकिन जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक फंगई में यूकैरियोटिक प्लांटी में यूकैरियोटिक एंड एन एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक प्रेजेंट है देन नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल तो हमें यह तो बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि एनिमलिया में सेल वॉल एबसेंट होती है तो क्या प्लांट में प्रेजेंट होती है जी हाँ बिल्कुल होती है हम जब प्लांट सेल वॉल और एनिमल सेल वॉल का डिफ्रेंसियेशन करते हैं तो यही पॉइंट लिखते कि प्लांट्स डू कंटेन सेल वॉल वाइल एनिमल डज नॉट हैव सेल वॉल तो प्लांट्स के अंदर कैसा प्रेजेंट होता है वॉल सेल्यूलोसिक होता है ठीक है याद रखना प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोसिक वॉल प्रेजेंट होता है देन नेक्स्ट इज फंगा तो क्या फंगाई में वॉल प्रेजेंट होता है जी हाँ बिल्कुल होता है लेकिन जो फंगई का सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है काइटीन से मिलकर बना होता है जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या काइटीन है याद रखना कि फंगई का जो सेल वॉल है वो काइटीन से मिलकर बना हुआ है काइटीन होता है ठीक है कंपोनेंट देन नेक्स्ट है प्रोटेस्टा तो प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होता है जी हाँ होता है लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि सभी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है जैसे डायटम्स में होता है लेकिन दूसरे कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है तो इसीलिए सेलवॉल प्रेजेंट इन समोटेस्टा देन नेक्स्ट इज मोनेरा तो मोनेरा के अंदर सेलवॉल प्रेजेंट होता है कैसा होता है नॉन सेल्युलोसिक होता है किससे मिलकर बना होता है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है सो मोनेरा के अंदर सेलवॉल नॉन सेल्युलोसिक होता है जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है देन नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मोनेरा के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर है so, मोनेरा, protesta, fungi, planti, मोनेरा के बाकी सभी में न्यूक्लियर है बस मोनेरा के अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है देन नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज इन मोनेरा इल्यूलर ल्युलर और लूज टिश्यू इन प्लांटेड इट इज टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल एंड इन एनिमिलिया टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन लेवल सिस्टम प्रेजेंट होता है देन लास्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी कौन शो करता है तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी मोनेरा शो करता है बिकॉज ये ऑटोट्रोपिक भी है ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं खुद बनाते हैं विद बाय केमो सिंथेटिक या फिर फोटो सिंथेटिक केमिकली भी बना सकते हैं फोटो सिंथेटिकली हेल्प ऑफ फोटो सिंथेटिक मतलब लाइट की मदद से भी अपना खाना बना सकते हैं ये हेड्रोट्रॉपिक भी है सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यहाँ पर मोनेरा शो करता है वाइल्ड प्रोटेस्टा तो दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोपिक बट ऑटोट्रोपिक में ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक की मदद से अपने uh, अपना खाना खुद बना सकते हैं मतलब कि सनलाइट की मदद से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि दूसरों के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करते हैं देन फंगाई तो फंगाई हेटेरोट्रॉपिक ये अपना खाना खुद नहीं बनाते ये दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं बाय सेप्रोपाइटिक और पैरासाइटिक तरीके से देन प्लांटी तो प्लांटी अपना खाना हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो दे आर ऑटोट्रॉपिक विद द हेल्प ऑफ फोटो मतलब कि सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते सो दे आर ऑटोट्रॉपिक लास्ट इज एनिमलिया तो एनिमलिया कैसे हम कैसे हैं है, हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते हम दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं सो दैट मे बी होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक एंड डिपेंड्स ठीक है तो आई होप कि इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा सारे पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक रफ आइडिया मिल गई होगी अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो स्टार्ट करते विद किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा का सेल टाइप हमने क्या देखा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी मोनेरा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे इसका सेल वॉल कैसा है नॉन सेल्यूलोसिक जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर एबसेंट है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मोनेरा का मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है मोनेरा शो करता है बिकॉज ये ऑटोट्रॉपिक भी है भी है ऑटोट्रोपिक में ये केमोसिंथेटिकली मतलब कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स की मदद से भी अपना फूड बना सकता है बाय फोटोसिंथेसिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट से भी अपना फूड बना सकता है दे आर हेट्रोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक मतलब कि सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं पैरासाइट्स भी हो सकते हैं सेप्रोफाइट मतलब कि ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल फंगई जो मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल

सो दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स डेजर्ट स्नो तो जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है लोअर टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर तक वो वैसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ फोर टाइप्स फर्स्ट वन इज बैसेल्स विच इज रॉड शेप्ड स्पाइरिकल विच इज कॉकस शेप्ड वाइब्रम विच इज कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरम विच इज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज अ ग्रूप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है क्यों बैक्टीरियाज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करते हैं बिकॉज द रीजन इज इट इज एबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म लाइक शुगर ठीक है तो इस रीजन की वजह से बैक्टीरियाज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबोलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं मोनेरा आर ऑफ टू टाइप आरके बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया सो लेट सी दरके बैक्टीरिया सो आर के बैक्टीरिया सो आरके आदि एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं these are the special bacteria as they can live in the most harshy habitats for example salty area halophiles halophiles matlab halo matlab ki kya hota hai salt hota hai aur phile matlab ki loving hota hai aur iska naam kaise aaya as we know that ki salt ka formula kya hota hai nacl hota hai to cl ke halogen family से है और उसके basis के ऊपर फिर halophiles नाम हुआ salty areas वाले बैक्टीरियाज का तो halophiles का example लेते हुए हम सबसे पहले समझेगी कि ऐसा क्या reason है ये बैक्टीरियाज एक्सट्रीम कंडीशन पर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले नॉर्मल बैक्टीरिया को समझेंगे फिर हेलोफिल बैक्टीरिया को समझेंगे सो एज वी नो दैट कि हर सेल में नॉर्मल वाटर कंटेंट होता है नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर मूवमेंट दैट इज ऑस्मोसिस तो अगर हम वाटर मूवमेंट देखें यहाँ तो सेल के अंदर वाटर ज्यादा है एंड सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है वाइल इन आउटर सराउंडिंग मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम सराउंडिंग की बात करें जिसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में जस्ट अपोजिट है वहां पर सॉल्ट कंसन्ट्रेशन बहुत ज्यादा है और वाटर कंसेंट्रेशन बहुत कम है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस नाउ वाटर विल मूव फ्राम हायर कंसन्ट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन वाटर सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो वॉटर बाहर की तरफ मूव करेगा और जैसे ही वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा एंड द सेल विल श्रिंक एंड डाय इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशंस पर नॉर्मल बैक्टीरिया सरवाइव कर ही नहीं सकते अब ये तो हो गया नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में अब देखते हैं कि ऐसा क्या है आर के बैक्टीरिया के अंदर कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस पर सर्वाइव कर सकते हैं तो बात करते हैं हेलोफिल बैक्टीरिया के बारे में सो दिस बैक्टीरिया यूज टू अक्यूमुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरिया अपने अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स को एक्यूमुलेट करके रखता है क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज एसिड्स सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर भी और बाहर भी मेंटेन होता है एंड बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम कंसेंट्रेशन यह वाटर मूवमेंट नहीं होगा ऑस्मोसिस नहीं होगा तो ये सेल ना श्रिंक होगा ना बस्ट होगा और इसी रीजन की वजह से हेलोफिल एक्सट्रीम कंडीशन पर भी सर्वाइव कर पाता है बिकॉज ये अपने अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स को कर करके रखता है ठीक है एम आई क्लियर देन हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि थर्मो एसिडोफिल थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मतलब कि एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं एसिडो मतलब कि लोअर लोअर एट मतलब कि हम अगर पीएच स्केल के ऊपर देखें वन सेवन एसिडिक होता है और सेवन से फोर्टीन बेसिक होता है सेवन न्यूट्रल होता है तो वन से सेवन एसिडिक होता है मतलब कि जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा और ये उतने ज्यादा एसिडिक कंडीशन पर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं फाइल्स मतलब कि लवर तो थर्मो एसिडोफाइल मतलब कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पर चाहे वो कितना भी एसिडिक हो उस कंडीशन पर भी ये आरके बैक्टीरिया सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं मार्शी एरियान और जनस मतलब कि जनरेटिंग तो ये मिथेन गैस जनरेट करने की भी कैपेसिटी रखते हैं द रीजन बिहाइंड वाई दे सरवाइव एट एक्सट्रीम कंडीशन इज दट बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट सेल स्ट्रक्चर या सेल मेंिकॉज उनके अंदर डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर सेल मेंब्रेन है इसी रीजन की वजह से ये आरके बैक्टीरिया इतने एक्सट्रीम कंडीशन पर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर सी कैसे मिथेनोजेंस बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रोमिनट एनिमल्स सच काउज एंड बफेलोज तो ये मिथेनोजन जो है अपने जो रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काउज एंड बफेलोज उनके गट में प्रेजेंट होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिथेन दैट इज मिथेन गैस बायोगैस भी बोलते हैं जिसे मिथेन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फ्रॉम द डंक ऑफ दिज एनिमल्स सो फ्रॉम द डंक ऑफ दिज एनिमल्स मिथेन गैस दैट इज बायोगैस प्रोड्यूस होता है तो यू बैक्टेरिया को सबसे पहले रेनी वाटर के अंदर ऑब्जर्व किया गया बाय लुवेन एंड उनको नाम दे दिया एनिमल क्यूले एनिमल क्यूले मतलब की एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्मीन सेवेंटी फाइव बाय द प्रेजेंस ऑफ रेजिड सेलवॉल इफ फ्लैजम इज प्रेजेंट देन मोटाइल तो यू बैक्टीरिया का सेलवॉल कैसा होता है रेजिड होता है इनके अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट रहा मतलब कि ये कैसे हो गए मोटाइल हो गए द साइनो बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलगी तो सायनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है ये हमने प्लांट किंगडम में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है एंड दे शो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड दे हैव क्लोरोफिल ए तो ये फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है जो जिनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है देन द स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है याद रखना ये नाम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज ब्लू ग्रीन अलगी जिसके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए कैरोटिनोइड एंड फाइकोबेलेंस दिस दी पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टेरिया कौन कौन से क्लोरोफिल ए कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबेलेंस डीज आर यूनिसेल्युलर दे आर कोलोनिकल फिलाेंटस एंड दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वॉटर मराइन और टेरिस्टियर अल्गी द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीत और म्यूसिलाजिनियस शीत मतलब कि ये बैक्टीरिया जिलेटिनियस और म्यूसीलाजिनियस शीत की मदद से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और कॉलोनीज फॉर्म करते हैं ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन पॉलिटेड वाटर बॉडीज तो आपने नोटिस किया होगा कि रेनी सीजन में बहुत सी जगहों पर ग्रीनिश जबल लेयर बन जाती है सो दे आर नथिंग बट अल्गीज़ है बैक्टीरियाज है जो कि ब्लूम्स फॉर्म करती है मतलब कि फैल जाती है पॉलिटेड वाटर बॉडीज के ऊपर सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज रिमेम्बर बिल्कुल हाईलाइट करके रखना इसको बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से नाइट्रोजन इज विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज हेटेरोसाइट हेटेरोसाइट की मदद से ये ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एग्जाम्पल के इसके नोस्टोक एन एनाबेना देन ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस तो ये साइनो बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो की ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं ओके याद क्लियर है देन नेक्स्ट इज कैमोसिंथेटिक ऑड्रोड्रॉप सो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स अमोनिया इन टू दी ए टी पी ठीक है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन एन सल्फर एस आयरन एफ ई एंड फोस्फोरस पी फोर तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके एग्जांपल्स प्लीज अच्छे से याद रखना देन नेक्स्ट इज हाइड्रोपिक बैक्टीरिया सो दिस इन नेचर मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोज डीकम्पोजर्स मतलब कि जो डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं डीकम्पोज कर देते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो आपको तो ये प्रोसेस पता ही होगी कि कैसे मिल्क से कर्ड फॉर्म होता है नहीं पता तो मैं बता देती हूँ मिल्क को सबसे पहले गर्म करते हैं और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट यानी दही मिक्स करते हैं और फिर रात भर उसे छोड़ देते हैं और फिर रात भर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपना कमाल दिखाता है और वो पूरे मिल्क को कर्ड के अंदर दैट इज दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है दोज बैक्टीरिया ऑल्सो शो द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन तो ये बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन शो करते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर के अंदर देन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स मतलब कि सिंबायोसिस यहाँ पर शो होता है सिंबायोसिस होता है किसके बीच में राइजोबिया के बीच में और लेग्यूम रूट के बीच में और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास ट्वेल्थ के अंदर सम आर पैथोजन्स कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग क्रॉप्स फार्म्स एनिमल्स एंड पेट्स पैथोजेंस मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं हार्म करते हैं टू द ह्यूमन बींग्स क्रॉप्स फार्म्स को एनिमल्स को और पेट्स को फॉर एग्जाम्पल क्लोएरा टाइफॉयड टीटेनस साइट्रस कैंकर सो दीज आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय दीज डिफरेंट बैक्टीरियाज नाउ लेट सी द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया सो दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय फीशन दे प्रोड्यूस ए स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स ऑल्सो रिपोर्ड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडेप्टिंग प्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टेरियम टू अनादर तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं बाय अडेप्टिंग अ प्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टेरियम टू अनादर बैक्टेरियम देन लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम मोनेरा इज माइकोप्लाज्मा सो माइको प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है इसके बहुत सारे रीजन है दो चार वो हम याद करिए प्लीज माइकोप्लाज्मा को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना आप अभी मेरे साथ ही याद कर लो बात के लिए छोड़ो ही मत ठीक है तो माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा इज ऑल्सो उन्होंने जोकर ऑफ प्लांट किंगडम ये ऐसा एक लोता ऑर्गेनिज्म है माइक्रो प्लाज्मा एक ऐसा लोता ऑर्गेनिज्म है ऑफ किंगडम मोनेरा जिसके अंदर वॉल एब्सेंट है ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लेक अ सेल वॉल इज एप एप्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन किंगडम मोनेरा एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस माइक्रोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है ये बैक्टीरिया ऐसा है जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमने अभी बताया कि पैथोजेनिक मतलब कि डिजीज कॉजिंग हार्मफुल होते हैं तो बहुत से ऐसे माइक्रोप्लाज्मा भी प्रेजेंट है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है आई होप आपको यहाँ तक किंगडम मोनेरा बहुत अच्छे से क्लियर है और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी आई विल क्लियर योर ऑल दी डाउट्स पार्ट में हम किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ेंगे इफ माई वीडियोज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेलाइकन जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़ो खुद पर भरोसा रखो यू कैन